नमस्ते, रूट्स एंड ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक यंग पेशेंट है, आप अपने बारे में बताइए। मैं शुभांकर सिंह, बेसिकली मैं ग्वालियर से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं इस समय स्टडीज की वजह से बिलासपुर में रहता हूँ। तो सबसे नियरेस्ट और बेस्ट क्लिनिक जो मेरे को सजेशन में अभी तक मिला है वो रूट्स एंड ट्रांसप्लांट है, और मैं इसी बेसिस पे यहाँ पे डॉक्टर सोम पांडे जी से मिला और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस रहा। उन्होंने जिस तरह मेरे को सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब आगे की प्रोसीजर अपन ये देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी डरा हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बताया गया कि थोड़ा सा पेनफुल होता है, आगे का पता नहीं। चलिए, डोंट वरी। तो शुभांकर जी, यू नो, इज अ यंग मैन, यंग लिटिल मैन। आप देख सकते हैं, इफ यू कैन ज़ूम, कि इनकी हेयर लाइन जो है बेसिकली थोड़ा सा पीछे चले गई है, कंसिडरिंग इज एज इज वेरी यंग, अभी 24 साल के हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जेनेटिक है, इनके फादर को ऐसा प्रॉब्लम है, दैट इज ऑब्वियस। और लगभग इनको ग्रेड 3 का बॉल्डनेस है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें समवेयर अराउंड 3200 ग्राफ्ट्स के आसपास लगेंगे, एंड प्रॉब्ली दिस प्रोसीजर विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स। हम इवनिंग तक इनका प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे, एंड आई विल टेक यू फर्दर। जैसे जैसे हम इनके स्टेप्स करेंगे ट्रांसप्लांट के, हम सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। बट शुभांकर, मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है कि देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में जनरल जो मैंने देखा है, यू नो, क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे, कि लोग डरते हैं थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, एक अननोन फोबिया है ना। तो डिस्पाइट दैट, आप क्यों मोटिवेट हुए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए? बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी अर्ली एज में गंजा ना हो जाऊं, मैं अपने सारे बाल ना खो दूं, क्योंकि हेयर लॉस एक मेल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डर की बात होती है, कि बॉल्डनेस अगर इतनी जल्दी एज में आ जाएगी तो आगे चल के क्या होगा, कैसे दिखेंगे, और ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए, ये फोबिया मुझे भी था एक्चुअली, मेरे घर पे भी ये चीज है कि कोई आपके बाल, मतलब कैसे कोई रीरूट कर सकता है या लगा सकता है, या फिर वो कितना काम करेगा या नहीं करेगा, और वो कितना पेनफुल प्रोसेस होगा। तो ये चीजें मेरी सौम्य सर ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की, और मेरे को इवन बारीक से बारीक चीजों, मेरे हर क्वेश्चन को उन्होंने आंसर दिया, और ये सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इतना भी ज्यादा फोबिया और वो मेंटली उसको टेंस्ड लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें एनरूटमेंट ऑफ दी हेयर ग्राफ्स होते हैं। तो इस चीज से मैं तुम्हें मोटिवेट हुआ, ऊपर से मेरे को एक रास्ता दिखा कि हाँ, यहाँ शायद मैं अपनी बोल्डनेस बचा सकता हूँ। शुभांकर, कभी आपको ऐसा लगता है कि ड्यू टू योर बोल्डनेस, यू नो, यू आर अ गुड लुकिंग मैन, यू नो, आप अच्छे प्रोफेशनल लॉयर हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन आपकी बालों की वजह से आपको लगता है कि कभी कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कहीं लुक्स की वजह से? हाँ, ऐसा होता है कि लुक्स मैटर करते हैं, इसीलिए शायद एक इंसान और एक मेल पर्सन या कोई भी एक जो इंसान अपने जिम पे, वर्कआउट पे, अपनी डाइट पे, हर चीज पर ध्यान देता है, पर किसी ना किसी रीजन से, मेरे केस में तो जेनेटिक है, मेरे केस में थोड़ी सी मेडिकल सिचुएशन भी ऐसी रही, मैं अर्ली एज में बचपन में मेरे को बहुत ज्यादा टाइफाइड और मलेरिया, इन सब की बहुत हैवी डोजेस की दवाइयाँ खानी पड़ी, इस वजह से भी शायद मेरे को लगता है कि मेरी बोल्डनेस बहुत जल्दी आ गई। और कितनी भी मैंने ट्राई किया, मैंने नेचुरली बहुत ट्राई किया, मैंने यूट्यूब से देख देख के मिनोक्सिड्रिल और ये सब बहुत सारी वैरायटी ऑफ मेडिसिन भी मैंने यूज की, शायद उसने भी मेरे बाल को और मेरे क्या कहते हैं स्केल्प को बहुत ज्यादा डैमेज किया। चल ठीक है, लेट्स यू नो, अभी मैंने इंट्रोडक्शन आपसे करवा दिया, अब नेक्स्ट स्टेप वुड बी हेयर लाइन डिजाइनिंग, और उसके बाद फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन द अर्ली एज मैं 24th में अपनी बॉडनेस को फेस करने लगा था, उसके बाद जो आज मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरा ट्रांसप्लांट अभी हो चुका है, रात के 8 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे से मैं यहीं पर हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि फ्रेंडली बिहेवियर था पूरे स्टाफ का, डॉक्टर्स का टाइम टू टाइम वो अपना इंट्रोडक्शन था, चेकअप था, इवन उनके पूरे सुपरविजन में ये सारा काम हुआ, विदाउट पेन हुआ, जितना मेरे को डर था उतना पेन नहीं हुआ,
और अभी मैं क्या कहते हैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ और आगे की जो प्रोसेस होगी मैं भी कोऑपरेट करूँगा और डॉक्टर से भी ये मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। शुभांकर जी का आज 8th डे है ट्रांसप्लांट का। आज हमने इनका हेड वॉश किया है एंड इफ यू कैन सी यू नो पूरे जो स्कैप जो ड्राई हो जाते हैं वो पूरे निकल गए हैं। अभी इनका प्रॉपर एक हेयर लाइन दिखता है। हमने जो इनके टेम्पल बनाए थे वो भी अभी क्लोजअप करके आपको दिखाएंगे। तो प्रॉपर अच्छा सा इनका हेयर लाइन स्टोर हो गया है एंड अब इसमें जो आगे होगी चीजें वो है यू नो अब अराउंड 1 हफ्ते के बाद से इनका शेडिंग फेज चालू होगा जो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 महीने तक चलेगा एंड बियॉन्ड दैट ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंस ही इज यंग तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 5-6 महीने में इनके कॉम्बिंग लेंथ के बाल आ जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट तो ऑफकोर्स 8-10 महीने में ही आता है बट 6 महीने में आई वुड से इनका मैक्सिमम रिजल्ट आ चुका होगा। शुभांकर तो कैसा लग रहा है आपको अपने सर के सामने बाल देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा हूँ। पहले से अच्छे और सारे बाल मेरे पास और जो हेयर लाइन है वो बहुत हद तक आ गया। इसके बाद और ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही लाइट फीलिंग आ रही है। यहाँ पे एक जो प्रोसेस थी उससे मैं निकल चुका हूँ और अब फाइनल रिजल्ट देखने का समय आ गया। अच्छा एक बात बताइए अभी जो ये ट्रांसप्लांट से लेकर आज आपको देखने आपको तो ये 1 हफ्ता आपका कैसा रहा? 1 हफ्ता मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मैं ज्यादातर घर पे रहा, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रहता है कि स्वेलिंग ना हो, लेकिन हालांकि मेरे को मेडिसिन की स्वेलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को स्वेलिंग भी नहीं हुई, मेरे पास कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा रहा और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पर काम हुआ। उसके बाद जब यहाँ से गया उसके बाद मैं घर पर ही रहा, उसके मैं बाहर जाने का रिस्क नहीं लिया और घर पर बस एक हफ्ते केवल रेस्ट और प्रिकॉशन अपने अंदर और जो भी प्रोसेस और जो भी चीज़ें मेरे को बताई गई थी फॉलो अप कर ली थी मैंने वो फॉलो। एक हफ्ते अभी आपको ऐसा कुछ पेन नहीं होता है बस हाँ ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि जैसे सोना है सोना बिल्कुल स्ट्रेट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नींद में पलटने की इच्छा होती है लेकिन आपका माइंड अचानक से वो करता है स्प्रिंकल और आपको आता है कि नहीं बाल खराब जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सोना। तो ये देखिए ये प्रिकॉशन रहता है आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 हफ्ते तक तो स्ट्रेट सोना होता है, लेफ्ट राइट करवट नहीं लेना होता। रीजन क्या होता है हम जैसे हमने टेम्पल में ग्राफ्टिंग की है तो अगर आप करवट लेते हैं तो ये जो ग्राफ्टेड हेयर्स है ना ये कई बार पिलो से रगड़ के धक्के से रगड़ करके निकल जाते हैं। तो इसी पर्पस के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि 1 हफ्ता स्ट्रेट सोइए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट यू नो आप देख सकते हैं उसका परिणाम। आप क्लोजली इनका टेम्पल ऑब्जर्व करेंगे तो ही इज लुकिंग फैंटास्टिक। मतलब आई वुड से ये जो प्रॉपर इनका टेम्पल बना है उसका शेप भी बहुत अच्छा निकल कर आया है एंड जब इनके बाल ग्रो करेंगे तो इनकी एज आई वुड से नॉर्मली जो कोई इनको जानता नहीं है वो देखेगा तो यू नो मिड 20s में या उससे भी कम में अज्यूम करेगा। अभी जो पहले इनकी एज थी अराउंड 30 के आसपास लग रही थी, जैसे आपके बाल आ जाते तुरंत आपकी एज कम करने कब देखने लगती है। तो अब देखिए ओवरऑल आई थिंक यू नो आपकी जर्नी काफी कंफर्टेबल रही 1 हफ्ते की। आपका जो फोबिया था डर था वैसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ है ना सब चीज कंफर्टेबल ही रहा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा यू नो कि वहां पर क्या होता है पेशेंट में घबराहट बहुत होती है क्योंकि क्या होता है पहला एक तो ट्रांसप्लांट सर में होता है तो व्यक्ति और ज्यादा थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाता है कि सर में नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। और एक ये भी बड़ी भ्रांति है ऑफनली लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ट्रांसप्लांट कराने से कैंसर हो जाता है। आज आपसे भी एक पेशेंट पूछ रहे हैं तो ये एक मिथ है। अगेन मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट और कैंसर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है बेसिकली। लेकिन क्या होता है आज के डेट में जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं तो क्योंकि उनके रीच बहुत ज्यादा है तो वो कुछ भी बोल देते हैं तो पब्लिक उस पर यकीन करने लगती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई मेडिकल नॉलेज या कोई मेडिकल फैक्ट बोले तो हमेशा किसी को डॉक्टर या संबंधित फील्ड के व्यक्ति से आना चाहिए तभी उसको ऑथेंटिक माने। कोई भी चलता फिरता आदमी आपको कुछ भी बताया तो वो सत्य नहीं है। और लास्ट में शुभांकर यू नो विल फॉलो योर जर्नी और आगे यू नो पीआर भी आपका अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे यू नो और बहुत सारे यूथ को ट्रांसप्लांट के बाद इमेज आपने अपने ट्रांसप्लांट के दिन बोला था लेकिन आई नो उस समय आपको भी बाल नहीं थे लेकिन आज बाल दिख रहे हैं आपके सर में तो एक नया कॉन्फिडेंस आया होगा आपको। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या बात रखना चाहेंगे? मैं बस यही सब पूरे यूथ को ये कहना चाहूंगा कि अगर इस चीज से डर के कारण ये चीज ना करने के लिए आप अपना कॉन्फिडेंस लो करके या किसी दूसरे को ऐसा देख के कि
वो अगर मेरे बाल मेरे पास भी होते ऐसे बाल तो शायद मैं भी इतना स्मार्ट लग सकता था। तो इन सब चीजों की वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटी मत होना, क्योंकि अगर जितना लेट हो गए उतने बाल और ज्यादा जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम होती जाती है। तो जितनी अर्ली एज में अपन इस चीज को समझ लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये बहुत अच्छा हो जाता। और मेरा फीडबैक यही है कि दर्द और अगर इस वजह से दर्द और घबराहट या फिर किसी और के ऐसे सजेशन जिसने ये चीजें कभी यूज ना करी हो, उनसे अगर आप पूछ के और डर के अगर ये काम ना करवाओगे तो आपका ही लॉस होगा, किसी का नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस है तो जैसे मैं हूँ, मेरे को शायद और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा बाहर जाके, और देखते हैं। चलिए थैंक यू। तो ये थे मिस्टर शुभांकर, ये वॉरियर्स का है हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जर्नी बहुत ही स्मूथ है और अब हम इनका रेगुलर पीआरपी स्टार्ट करेंगे। आफ्टर वन वीक हम इनका पीआरपी स्टार्ट करेंगे और अगले 3-4 महीने तक हम रेगुलर इनकी पीआरपी करेंगे, प्लस मैं इनको कुछ मेडिसिन भी दे रहा हूँ ताकि जो ग्राफ हमने लगाए हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो थैंक यू मिस्टर शुभांकर, ऑल द बेस्ट। और अगले 3-4 महीने रुक जाइए, उसके बाद लहलाते हुए बाल आपको देखेंगे। चलिए थैंक यू, नमस्कार।